हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है अनकैडमी के इस ब्रांड न्यू प्लेटफॉर्म अभियान पर। सबसे पहले मैं आपका बहुत बहुत शुक्रिया करना चाहूँगा कि आपने हमारे चैनल को बहुत प्यार दिया है और हम 35,000 सब्सक्राइबर पर पहुँच चुके हैं। 35,000 सब्सक्राइबर हमने कर लिए हैं। दोस्तों, हम लगातार कोशिश कर रहे हैं कि अच्छे से अच्छा कंटेंट आपको दिया जाए। आपने बहुत प्यार दिया है और यही एक रीज़न है कि हम एक और एजुकेटर को या फिर हमारे एक और साथी एजुकेटर को आपके साथ इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। इनका नाम है सोनल नय्यर मैम और ये आपको इकोनॉमी पढ़ाना शुरू करेंगी। दोस्तों, बहुत दिनों से आपकी डिमांड थी कि सर इकोनॉमी का एक कोर्स चाहिए है और इंग्लिश मीडियम का भी बहुत बड़ा इशू है, तो हम मैम को लेकर के आए हैं। बहुत अच्छा इनका कमांड है इकोनॉमी सब्जेक्ट पर। दिल्ली यूनिवर्सिटी से ये पास आउट है। इन्होंने भी एग्जाम्स अटेम्प्ट किए हुए हैं और ये आपको इकोनॉमी के कंसेप्ट समझाएंगी। पर्सनली मैंने इनके वीडियो देखे हैं, दे आर वेरी मच इम्प्रेसिव और बहुत अच्छे तरीके से ये चीज़ों को डील करती हैं। तो सबसे पहले मैं मैम से कुछ सवाल करूंगा कि मैम आप बताएं अपने बारे में। सबसे पहली बात तो कैसा लग रहा है मैम हमारे अभियान से जुड़ के आपको। I am feeling very good and excited at the same time. Let us see how it goes. And I'm really excited to go live. Students से मिलना चाहती हूँ. I want to see कि उनका reaction कैसा होगा and how good and better do they feel with my course and my way of teaching. बिल्कुल मैम, एक बात मैं बताना चाहूंगा कि जितने भी लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जितने भी दोस्त हमारे साथ यहाँ पर हैं, दे आर सो गुड। मींस बहुत छोटा सा ग्रुप है, बहुत बड़े ग्रुप नहीं है हमारा, पर छोटा सा ग्रुप में जितने भी लोग हैं दे आर वेरी मच गुड। बहुत रिस्पेक्ट करते हैं और बहुत आपको अप्रिशिएट करते हैं आपके एफर्ट को। तो आई रियली विश कि यहाँ आपको बहुत अच्छा लगेगा। तो मैम सबसे पहले अपने बारे में आप कुछ बताएं कि आपकी स्कूलिंग कहाँ से हुई, फिर आपने कॉलेज कहाँ से किया, कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन मैम प्लीज। So hi everyone, my name is Sonal Nayyar. I'm from Delhi and I did my schooling from Cambridge School, that is in South Delhi, followed by my graduation from Delhi University, from where I did BCom honors. And after that, मेरे post graduation में मैंने MCom किया था and उसके बाद मैंने NET exam clear करा है for the post of assistant professor. Plus, I also have an experience of 5 years of teaching. ओके मैम, दिस हाउ दिस इकोनॉमी थिंग, आई मीन लाइक इकोनॉमी कैसे पढ़ाना शुरू किया और कैसे, मतलब हाउ So जस्ट इकोनॉमी के honestly, बारे में। I did not go for economics. I think economics came into my life. So the good thing was, school days में जब हम लोग economics पढ़ते थे, it used to be my favorite subject. But the problem was, all my friends used to had a hard time with it. वो बोलते थे economics difficult है, economics की class नहीं attend करते and इसमें सिर्फ हमें रट्टा मार के जाने paper के लिए. So I always used to fail to understand इनको क्यों नहीं समझ आ रहा है, इनको क्यों लग रहा है कि सिर्फ रट्टा मारना है, why are they not able to understand the concepts. So that is the actual place जहाँ से मैंने उनको समझाना शुरू करा कि यू नो दिस इज द कॉन्सेप्ट, दिस इज द रीजन कि क्या चीज क्यों होती है, कोई लॉ क्यों ऑपरेट करता है. एंड दैट इज हाउ आई स्टार्टेड टीचिंग इकोनॉमिक्स. एंड ऑनेस्टली आई फील दिस इज अ वेरी कॉमन इशू बिकॉज इकोनॉमी के लिए सारे स्टूडेंट्स को, बी इट स्कूल लेवल, कॉलेज लेवल और इवन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, स्टूडेंट्स हैव दिस थिंग इन देयर हेड कि मुश्किल सब्जेक्ट है, कैसे लर्न होगा, चलो इकोनॉमी तो एंड में करेंगे, अभी हमें समझ नहीं आ रहा, एंड इट्स मोनोटोनस. So I think I want to break that chain of thought and I want to come in with a new idea of teaching totally, which is going to be really easy and interesting for them. नहीं बिल्कुल है, और अभी मैम तुम काफी सारी बातें जानेंगे, उनकी अनअकैडमी जर्नी कैसे शुरू हुई, इकोनॉमी को लेकर के उनकी अप्रोच क्या होगी। एंड देखिए उन्होंने बताया कि कैसे लाइक और इट इज टिपिकल सब्जेक्ट, मतलब मैंने भी इकोनॉमी पढ़ा है और काफी मुश्किल जाती है उसको पढ़ने में। तो मैम सबसे पहला सवाल ये है कि अनअकैडमी से कैसे जुड़े आप, लाइक अनअकैडमी एजुकेटर कैसे बने आप। So there was a program जो अनअकैडमी ने इंट्रोड्यूस करा था थोड़े टाइम पहले, which was the Phoenix program. So that was the point where I got associated with Unacademy, and ultimately, see again, economics came to me on its own. Ultimately, I got into MPPSC and into the Abhiyan program. ओके सो मैम एक और चीज है, कैसे इंटरव्यू वगैरह हुए जब अनअकैडमी में आप आ रहे थे, एंड हाउ वाज द अप्रोच, लाइक टीम कैसा था, कैसा एटमॉस्फेयर मिला आपको शुरू में जब आप आ रहे थे अनअकैडमी में। सी फर्स्ट ऑफ ऑल द टीम and the support that I got from Unacademy was amazing. They were all there all the very time to help me, to support me with everything. And honestly, the interview sessions, there were a lot of levels.
They don't just hire you, they actually judge you, they actually check your quality of teaching, your qualification and baki sab cheeze ki aap aage kaise padha paoge. So there are multiple levels jisko clear karke ek educator ko ek privilege milta hai ki wo Unacademy ke platform par aakar padha paaye. And fortunately I am one of them. So I'm really thankful to Unacademy for having me here. And the team also for supporting me unconditionally without even looking at time. They've always been there. So thanks to all. Okay. So, देखिए दोस्तों आपको याद होगा कि हमने एक वीडियो बनाया था फिनिक्स प्रोग्राम के बारे में that an academy has a Phoenix program by that they were hiring the new educator. तो उसी के तहत मैम का सिलेक्शन हुआ है. जब नेक्स्ट फिनिक्स प्रोग्राम आएगा अच्छे से ज्यादा लोग उसमें पार्टिसिपेट करें, आपको मौका मिलेगा. लगभग 1000 से ज्यादा लोगों ने अप्लाई किया था, 100 लोगों को हमने वहां पर सिलेक्ट किया है एंड इट हैज बीन अमेजिंग प्रोग्राम. और बहुत सारे अच्छे टीचर्स हमको फिनिक्स के द्वारा मिले हैं. मैम ये तो हो गया अनअकैडमी के बारे में. एक और बेसिक क्वेश्चन ये होता है जब भी हम सोचते हैं ना कि हमारे इंडिया में टीचिंग को एज अ प्रोफेशन बहुत कम लिया जाता है, राइट? कभी आप कहोगे कि क्यों पढ़ा रहे हो, यार मेरी जॉब नहीं लग रही इसलिए मैं पढ़ा रहा हूँ, यार मुझे ना कुछ पैसा चाहिए इसलिए मैं पढ़ा रहा हूँ. पर एज लाइक बहुत कम लोग मिलते हैं जो ये कहते हैं नहीं दिस इज माई पैशन इसलिए मैं पढ़ा रहा हूँ, यार मुझे यही आगे करना है इसलिए मैं पढ़ा रहा हूँ. तो आपका रीजन क्या है? आप भी क्या साइड में ऐसा कुछ सोच के पढ़ा रहे हैं या फिर वट इज योर रीजन बिहाइंड कि आपको पढ़ाना क्यों है? See, honestly, I feel people जिनका ये बैक ऑफ द माइंड ये थॉट होता है कि टीचिंग चलो कर लेते हैं कोई बात नहीं, थोड़े टाइम के लिए कर लेते हैं और कोई जॉब अपॉर्चुनिटी मिल रही तो पढ़ा लेते हैं. सो आई फील द थॉट दैट दे हैव इन देयर माइंड इज कि चलो कुछ नहीं करना है, एक बुक खोलनी है, लेसन डिलीवर करना है. बट आई थिंक टीचिंग इज नॉट जस्ट दैट. टीचिंग इज कॉम्प्रिहेंसिव लर्निंग. इट इज नॉट जस्ट द लर्निंग पार्ट फॉर द स्टूडेंट, पर ये टीचर के लिए भी एक लर्निंग पार्ट होता है. आप हो, आप इतने टाइम से पढ़ा रहे हो, यू आर ऑल्सो एन एजुकेटर एट अन अकेडमी, आई एम ऑल्सो देयर. जब हम लोग पढ़ाते हैं इट इज नॉट कि हम बस आए, हमने डिलीवर करा एंड वी आर लीविंग. फर्स्ट ऑफ ऑल फ्रॉम एन एजुकेटर्स पॉइंट ऑफ व्यू वी गेट टू लर्न सो मच. जस्ट लाइक वी आर टीचिंग एट अन अकेडमी टूडे, आज हमें न्यू टेक्निक्स पता लगी है, हम ऑनलाइन बैठ कर पढ़ा रहे हैं, हम जहां पर रहते हैं वहीं से पढ़ा रहे हैं, वी डोंट हैव टू ट्रैवल. सिमिलरली एक स्टूडेंट के लिए टीचिंग इज नॉट जस्ट अंडरस्टैंडिंग कि व्हाट इज देयर इन द बुक, बट इट इज आवर जॉब एज एन एजुकेटर टू गिव देम एन इनसाइट कि एक्चुअल में जो आप पढ़ रहे हो उसकी प्रैक्टिकलिटी क्या है, आप जो पढ़ रहे हो उसका प्रैक्टिकल लाइफ में अपनी रियल लाइफ में कैसे कहाँ पे इम्प्लीमेंट करते हो. सो दैट इज व्हाई आई फील दैट इज द डिफरेंस बिटवीन वंस हु आर जस्ट डूइंग टीचिंग फॉर देयर सर्वाइवल एंड अदर्स हु हैव पैशन फॉर इट. So I also discovered that I really like teaching when I got into my job. So after getting there, I used to feel it makes me happy. जब एक student किसी एक topic या एक subject के साथ struggle कर रहा है, उसको नहीं समझ आ रहा, and आप उनको पढ़ाते हैं, थोड़े time के बाद the student comes up and says, okay, you know, economics is one of my favorite subjects now. या मैम ये एक topic था और अब मुझे बहुत अच्छे से आ गया, ये तो मैं कभी भूलता ही नहीं हूँ या भूलती नहीं हूँ. That feeling of satisfaction, I think that satisfies your passion or that even increases your passion for your profession. So that is how teaching happened to me and I really like teaching. Great. Ma'am, आपने भी बहुत से teachers से पढ़ा होगा obviously and हम सब ने YouTube पर videos देखे हैं, मैंने बहुत से educators से सीखा है. तो एक क्वेश्चन ये है कि अभी बहुत सारी चीजें हैं ऑलरेडी यूट्यूब पर और आपने बहुत से टीचर को देखा है, तो पहले इसको सिंपल करते हैं कि एक अच्छे एजुकेटर की क्वालिटी क्या होनी चाहिए. लाइक अगर एक कोई टीचिंग कर रहा है तो उसकी व्हाट व्हाट शुड बी द क्वालिटी? सी फर्स्ट ऑफ ऑल आई थिंक कम्युनिकेशन स्किल्स सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट एक एजुकेटर के लिए और एक स्टूडेंट के रिलेशनशिप के लिए, द रैपो दैट दे आर गोइंग टू हैव, उसके लिए कम्युनिकेशन स्किल इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग. The way the educator is teaching and the way the student is able to learn is going to create a trusting environment. अगर एक बार आपके साथ कुछ students जुड़ जाएंगे, उनको आपका बात करने का तरीका, पढ़ाने का तरीका समझ आएगा, there is a sense of reliability जो create हो जाएगी. फिर वो obviously आप ही की videos देखेंगे, आपके साथ ऐसा जरूर होता होगा शुभम सर. So ये trusting environment create होता है जिससे कि ना आपके students की understanding level boost up होता है. Moreover, I feel जैसे कि आपने कहा कि दूसरे भी, हमने काफी टीचर्स के साथ खुद भी डील करा है, हमारे भी टीचर्स रहे हैं, आई फील सबसे इम्पोर्टेंट चीज है पेशेंस. एंड जब हम ऑफलाइन पढ़ाते हैं तो लिसनिंग स्किल्स भी होता है, पर यहाँ पर भी अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पर जैसे हम लाइव पढ़ाते हैं, स्टूडेंट्स हमसे साइड बाय साइड क्वेश्चंस पुट अप करते हैं या अपने डाउट्स पूछते हैं,
आई थिंक वो बहुत इम्पोर्टेंट है. अगर आपका सेशन इंटरैक्टिव होगा, आपको समझ आएगा जो आप डिलीवर करना चाहते हो और जो स्टूडेंट समझ रहे साइड बाय साइड, वेदर ऑल दीज थिंग्स आर इन सिंक और नॉट. सो आई थिंक दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एन एजुकेटर टू नो कि ये तीन स्किल्स अगर होंगी, योर लेक्चर्स आर गोइंग टू बी रियली इफेक्टिव. ओके मैम, देखिए मैं आपकी अप्रोच भी पूछूंगा कि आपकी अप्रोच क्या रहेगी पढ़ाने की, पर इससे पहले आई जस्ट वांट कि आप एक ब्रीफ बताएं कि आप क्या शुरू करने वाले हैं अभियान पर, और फिर हम आपके अप्रोच की बात करेंगे कि क्यों आपके वीडियोस को देखा जाए और क्या आपने डिफरेंट क्या किया, क्या करने वाले हो आप इस प्लेटफॉर्म पर. तो पहले आप ब्रीफ में ये बता दीजिए कि आप क्या शुरू करेंगे, कितने बजे क्लास होगी, क्या सब्जेक्ट लेकर के आएंगे मैम. So there is a very interesting course that I'm bringing up. So like we all know, MPPSC ka syllabus काफी vast hota hai and Indian economy uska ek part hai. So we are going to bring up a fast track course for all the students. Isme hum 20 hours mein pura Indian economy cover karwayenge. We are going to take up some selected topics. Hum unpe baat karenge and the USP that my course is going to have is firstly completion of course in 20 hours. Secondly, जो आपको notes मिलेंगे, they are going to be in a very simplified manner, जिससे कि student को problem ही नहीं होगी, उनको ऐसा लगेगा कि आपने lecture attend करा, side by side आपने notes follow करे मेरे साथ class में, after the class they are done with the topic. उसके beyond उनको जाना ही नहीं पड़ेगा. And सबसे ज्यादा important चीज होती है previous year questions, so I am also going to take those up. So this 20 hour of studying economics on the whole, I think is going to help as help the students in their preparation. Okay. And you know, especially जो मैम के लेक्चर हैं वो इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए बहुत हेल्प करेंगे, बिकॉज जितने भी दोस्त यहाँ पर इंग्लिश मीडियम के हैं और आपसे मेरी बात भी होती है दोस्तों से, तो हमेशा आप लोगों की एक ही कंप्लेंट रहती है कि सर इंग्लिश मीडियम के लिए हमारे पास टीचर्स नहीं है MPPSC के लिए, विच इज अनफॉर्चुनेट रियलिटी कि ऑनलाइन आपको इंग्लिश मीडियम का उतना अच्छा मटेरियल नहीं मिलता. ठीक है, पर आपको सपोर्ट करना होगा गाइस. मैं एक चीज की बस गारंटी ले सकता हूँ कि ये बहुत मेहनत करेंगे आपके साथ सोनल मैम. ओके, बस आपको सपोर्ट करना है कि जब इंग्लिश मीडियम का हम एक कंटेंट लेकर के आ रहे हैं, और ऐसा नहीं है कि हिंदी का नहीं है, दोनों मीडियम का है, लेकिन इस बार इंग्लिश मीडियम को भी पूरा मतलब ध्यान में रखा जाएगा कि हाँ आपको भी एक बेहतर कंटेंट मिले. तो बस आपको भी सपोर्ट करना है कि इंग्लिश में हम कुछ नया करने वाले हैं, स्पेशली लाइक चलो कि आपको कुछ नई चीजें और बेहतर चीजें मिले. सो वी रियली बिलीव कि आप सब लोग हमारा सपोर्ट करेंगे और चैनल को आगे बढ़ाएंगे और मैम के वीडियोस को भी पसंद करेंगे. तो मैम का एक सब्जेक्ट आ रहा है इंडियन इकोनॉमी का जो 20 घंटे में कवर होगा. मैम दूसरा क्वेश्चन ये है कि आपकी अप्रोच क्या है पढ़ाने की, जैसे हर किसी की एक अप्रोच होती है बेसिक, तो आप जब टॉपिक शुरू करेंगे और टॉपिक खत्म करेंगे, अब या फिर मैं उससे पहले भी जाऊंगा कि जब आप टॉपिक खुद से प्रिपेयर कर रहे हैं तब आप उसे प्रिपेयर कैसे कर रहे हैं, तो वहां से लेकर के टॉपिक खत्म करने तक की पूरी आप जर्नी बताइए. See, first of all, that is the most important thing. जब आप टॉपिक स्टार्ट करते हो, आपको बहुत ही ध्यान से एक टॉपिक चूज करना है. आपको उसको इस तरह पढ़ाना है कि स्टूडेंट का वो टॉपिक भी कवर हो जाए और उसमें कोई पॉइंट्स उनके रह भी ना जाए जो किसी और चीज से लिंक्ड हो. सो फर्स्टली जो टॉपिक को पिक करना है और उसके लिए खुद प्रिपेयर करना है, उसमें आई एम गोइंग टू मेक श्योर दैट द नोट्स आर गोइंग टू बी रियली प्रिसाइज एंड क्लियर. वेग नहीं होना चाहिए, बहुत ज्यादा ब्लैबरिंग नहीं होनी चाहिए, बहुत ज्यादा एक्सपैंडेड एंड वास्ट नोट्स नहीं होने चाहिए. इट शुड बी क्लियर कट सो दैट स्टूडेंट्स अपने एंड पे टाइम सेव कर पाए, उनकी प्रेपरेशन क्विक एंड इजी हो, एंड एट द सेम टाइम डिलीवरी ऑफ मैसेज हैज टू बी क्लियर. मोर ओवर आई मेक श्योर व्हेन आई एंड एंड द टॉपिक तो वो इस तरह एंड हो दैट द इंटायर थिंग रिलेटेड टू दैट टॉपिक गेट्स ओवर इन दैट वन पर्टिकुलर क्लास, सो दैट आफ्टर दैट द स्टूडेंट कैन ऑल्सो स्ट्राइक इट ऑफ फ्रॉम देयर सिलेबस. And from my end also, it is a good delivery of the message. और ऐसा ना हो कि अगले lecture तक student भूल जाएगी पहले क्या हुआ है. So it is always better to keep it compact. And obviously, मेरे classes में एक और चीज मैं add करूंगी, that is the interactive sessions. So it is not going to be a one-way class or one-way conversation. Students are going to interact with me throughout. So student involvement भी रहेगी, which is going to make it even better. Right. Okay. And ma'am, जब आप नोट्स बनाते हैं तो कैसे नोट्स बनाते हैं, अगर आप एक नोट्स टॉपिक प्रिपेयर कर रहे हो तो कैसे आप प्रिपेयर करते हो?
सी फर्स्ट ऑफ ऑल आपने एक टॉपिक चूज करा, से फॉर एग्जाम्पल आपने 5 ईयर प्लान लिए, सो यू हैव टू सी वॉट ऑल थिंग्स आर इम्पोर्टेंट इन इट. फर्स्टली यू नीड टू नो द ईयर. इफ देर इज अ ब्रेक इन बिटवीन, यू नीड टू नो वाई एंड वेन इज दैट ब्रेक कमिंग. सो द रीजन हैव टू बी मैंशन. देन यू नो द ऑब्जेक्टिव एंड द टारगेट दैट वॉज सेट इज इम्पोर्टेंट एंड वॉट हैज बीन अचीव इज इम्पोर्टेंट. सो बेसिकली आपने एक टॉपिक पिक करके सब कुछ नहीं पढ़ना है, आपने सिर्फ अपने सिलेबस के हिसाब से पिन पॉइंट करके इंपॉर्टेंट चीजें पिक करनी है, विच आई कॉल एज स्मार्ट स्टडी, जिससे कि आप बहुत ज्यादा रिटेन करने की आपको प्रॉब्लम भी नहीं आ रही है एंड आपने बहुत स्मार्टली वही टॉपिक्स पिक करे जो आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे. सो दिस इज हाउ आई कीप इट शॉर्ट एंड सिंपल. This is very much important, guys. Remember, whenever we read anything or we study anything, I always believe that it must be exam oriented, and that is the only reason that why Sonal ma'am is here. That she is very much exam oriented. She will not. I mean, she is obviously that she has completed the post graduation as well from Delhi University, so she has a great knowledge of the subject, but she will make sure that, you know, she will just keep it short and simple, and especially the exam oriented. So that will be the very, that will going to be a very good session. Aur ye session hum 2 ya 3 dinon mein shuru karenge ma'am ke sath. Bas yaad rakhna hai ki dosto, aap please session ko support kare. Agar aap support karenge tabhi hum aur bhi acha content deliver karenge. Aapne जो इतना प्यार अब तक इस चैनल को दिया है, आपने मुझे बहुत प्यार दिया है, मैं चाहता हूँ कि मैम को भी आप बहुत सपोर्ट करें. जो वीडियोस मैम लेकर के आएंगी, बहुत अच्छे वीडियोस लेकर के आने वाले हैं, ठीक है. और जितने भी यार आपने देखा है कि अभियान पर हम जितना भी काम कर रहे हैं, बहुत बेहतर काम कर रहे हैं. जितने भी टीचर हैं, सन्मति सर करंट अफेयर्स पढ़ा रहे हैं पूरी मेहनत के साथ, मुकेश सैनी सर पॉलिटी पढ़ा रहे हैं, आपको पता है कि मेरे साथ अभी आप आयोग पढ़ रहे हैं और आने वाले समय में भी कुछ विषय पढ़ने वाले हैं, और अब सोनल मैम भी हमारे साथ हैं जो इकोनॉमी पढ़ाएंगी, ठीक है. तो आपको सपोर्ट करना है, और मेरी तरफ से बस यही कहूंगा गाइस कि प्लीज सपोर्ट एंड लेट्स क्रैक द एग्जामिनेशन जो 2020 में आने वाला है. मैम लास्ट वर्ड फ्रॉम योर साइड. So I request you all to come for the classes. It's going to be an interactive class and it is going to benefit you a lot for Indian economy. So the class is going to be held in the morning at 11 o'clock. So 11 to 12 aapke course ka time hai. And this is going to be a fast track course. So I would really request you all to come, join in. Let's make it a blast and let's take a step forward in our preparation process. Great. So guys, I hope that सब लोग मैम को 11 बजे ज्वाइन करेंगे क्लास में. अपना बहुत ख्याल रखिए और बहुत मेहनत कीजिए, बहुत अच्छे से पढ़िए. थैंक यू सो मच सोनल मैम. आई रियली विश यू अ वेरी गुड जर्नी विद द अभियान एंड एन एकेडमी. थैंक यू मैम. थैंक यू सो मच.